लुंगी के बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से भाषण देने का राज क्या है? आखिर बिहार के दरभंगा में योगी को किसका खतरा था? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे को लेकर खास तैयारियां की गई थी। उनकी रैली के लिए खास पंडाल बनाया गया था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात रही योगी के बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से भाषण देना। आमतौर पर खुले मंच से भाषण देने वाले योगी आदित्यनाथ जब बिहार के दरभंगा पहुंचे, तो उन्होंने बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से भाषण दिया। दरअसल योगी की पहचान खुले मंच से दहाड़ने वाले शख्स के तौर पर रही है। ऐसे उन्हें देखने वाले तो पहले हैरान रह गए। ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि उन्हें आज तक किसी ने बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से भाषण देते हुए नहीं देखा था। लोकसभा चुनाव हो या फिर यूपी विधानसभा चुनाव, योगी ने प्रदेश भर में घूम घूम कर चुनाव प्रचार किया, लोगों से खुलकर मिले, लेकिन कभी किसी ने उन्हें इस तरह से बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से बोलते हुए नहीं देखा था। तो आखिर वो कौन से कारण थे जिसके चलते योगी को बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से भाषण देना पड़ा? तो हम आपको बता दें कि जिस दरभंगा में योगी की रैली थी, वो बेहद ही संवेदनशील इलाका माना जाता है। इंडियन मुजाहिदी का दरभंगा मॉड्यूल पहले ही कुख्यात है। इतना ही नहीं, कुख्यात आतंकी यासीन भटकल सालों तक इसी दरभंगा में रहा। वैसे भी योगी आदित्यनाथ आतंकियों के हिट लिस्ट में है, उनको लेकर कई बार खुफिया अलर्ट भी जारी हो चुका है। शायद यही वजह थी कि सुरक्षा एजेंसियां उनकी सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी, और इसलिए योगी की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।